हाँ, तो प्रदेश भर में आज नामांकन दाखिल किए गए। कोटपूतली की अगर बात की जाए तो कोटपूतली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नामांकन के अंतिम दिन आज कुल 26 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें भाजपा के मुकेश गोयल, हंसराज पटेल ने भाजपा समेत निर्दलीय दो नामांकन पत्र दाखिल किए, तो सुगन भाई ने निर्दलीय के अतिरिक्त बसपा से नामांकन दाखिल किया, तो मुकेश कसाना, मनोज जांगिर ने निर्दलीय नामांकन निर्वाचित अधिकारी ज्योति मीणा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो जबकि पूर्व में कांग्रेस की ओर से अगर यादव की बात की जाए तो लोकतांत्रिक पार्टी से रामस्वरूप कसारा समेत नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 26 नामांकन दाखिल किए गए। तो चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन रहा आज, चुनावी जो नामांकन है वो 26 कोटपूतली में किए गए। कोटपूतली का भारतीय जनता पार्टी का टिकट अगर दिया है तो आप सबके स्नेह और प्यार की वजह से दिया है कि कोटपूतली के अंदर की एक व्यक्ति है, एक कार्यकर्ता है, जिससे हर व्यक्ति स्नेह करता है, प्यार करता है। आप सब लोगों के स्नेह और प्यार, आप सबके आशीर्वाद को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सबने मुझे ऐसा इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने का अवसर दिया है। मैं इस पूरी कोटपूतली को प्रणाम करता हूँ। इस बात के लिए 5 साल हमारा सहयोग दिया है, हमारे गुंडागर्दी खत्म बनी थी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और अब मेरा संकल्प है मैं नहीं तो बदमाशी करूंगा, नहीं किसी को पढ़ने दूंगा। और विकास का मुद्दा है, सीवर लाइन है और कोटपूली के अंदर जिला बनाना है, तो इसके ऊपर मेरी पूरी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी। और जैसा भी हूँ मैं कोटपूली का हूँ।